आगे के टायर देखिए भाई 11-24 के डाल रखी है ना। हाँ जी 11-24 के है। और बोर्ड डाल दिया जैसे पहले 100 का आता था जी। हाँ हाँ। और ये एक अब 105 का बोर पड़ गया। अच्छा अभी 105 का बोर कर दिया इसका। हाँ जी 85 HP हो गया ये, 85 HP बोल देते हैं। अच्छा 85 HP में आ गया। हाँ जी। बाकी यार ये कलर वगैरह बहुत शानदार है, कौन सा कलर की है इसपे? ये 2K कलर है। अच्छा 2K पेंट बोलते हैं इसे। हाँ जी। तो दोस्तों आज भाई हम आपके लिए लेकर आए हैं HMT 5911 4x4 में। शायद तक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये राजस्थान क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, सभी जगह पे है ना 4x4 है ना। वो पंजाब के आगे दिखाओ एक बार, नाम दिखाओ इनका, रूप एग्रो वाले है ना, इन्होंने तैयार कर दिया भाई 4x4 में। पहला ट्रैक्टर है ये इंडिया का 5911 है जो। ठीक है, तो दब के शेयर कर देना वीडियो को। चलिए भाई साहब से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया जी बढ़िया। नाम बताइए भाई साहब अपना। मेरा नाम बलतेज सिंह। बलतेज सिंह जी, मतलब भी आपको ये जो मॉडिफिकेशन का काम करते हुए कितना टाइम हो गया, इसके बारे में बताइए। पहले मेरे फादर साहब का काम स्टार्ट किया था। अच्छा, जो सबसे पहले डीजल टैंक बनाया था। अच्छा, ये जो डीजल टैंक है ये ओरिजिनल नहीं है क्या अभी? ये नहीं, ये हमारा है भाई साहब। जैसे ओरिजिनल में आता है वैसे ही लग रहा है ये। रे तो 1994 च पहला डीजल टैंक तैयार किया। अच्छा, फादर साहब ने बाद च, फादर साहब की डेथ हो गई। ठीक है, फिर असी अब दो ब्रदर हां, एक मेरा ब्रदर है सुखा। हां सुखा भाई है, उनको जानता हूं मैं। हां हां। ते फिर आगे आगे प्रोसेस होते गए, जैसे पहले डीजल टैंक करते थे, फिर प्लेटफार्म। अच्छा, प्लेटफार्म ये आप तैयार करते हो खुद? हां जी आप करते हैं, ये देखो। ठीक है, देखिए भाई कितना शानदार प्लेटफार्म तैयार किया है। बाकी मतलब मॉडिफिकेशन का काम टोटली करते हो? टोटल सारा। तो भाई साहब ये कैसे आइडिया आया अभी इसका 4x4 करना है ट्रैक्टर को? पहले ना पता क्या होता था, आइडिया लोगों ने लिया जो हमारी कॉपी करते हैं। अच्छा, कॉपी करते हैं? कॉपी करते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमने ये ऊपर वाला ना, पहले ये टापा किया था, वो ऊपर वाले अकेली यहाँ से की थी ना, ऊपर वाला की थी। हाँ। उसकी कॉपी होगी। अच्छा, तो हमने आगे पहले सोच रखा था भी इसकी कॉपी होगी। ठीक है, और उसके बाद ये सारी की। अच्छा, चकती ये चकती कर। हाँ जी, जब इसकी कॉपी होगी तो आगे 4x4 कर दी। अभी नहीं कर सकेंगे भाई, अभी नहीं कर सकेंगे, पक्का है, क्योंकि वो और गियर के अंदर, जैसे लो के अंदर चला लेंगे वो, हाई के अंदर चलना मुश्किल हो जाता है। जो गियर स्पीड मैच करना है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। ये ट्रैक्टर है, इसका किसी भी गियर में 4x4 लाओ। अच्छा, ऑल राउंडर है ये? ऑल राउंडर है। ठीक है, ऐसे नहीं भी लो में काम करेगा या कल्ले हाई में काम करेगा। अच्छा, लो में भी काम करेगा, हाई में भी, हाई लो दोनों में काम करेगा। बाकी यार ये आगे के टायर देखिए भाई, 11-24 के डाल रखी है ना। हाँ जी 11-24 के है। और फ्रंट का एक्सल है इसका, वो सोनालिका वाला डाल रखा है आपने? ठीक है, बाकी देखिए भाई ये खुद ही तैयार करते हैं अपनी वर्कशॉप पे, और मैं इनकी वर्कशॉप पे भी 2-3 बार जा चुका हूँ, बहुत शानदार काम करते हैं। अगर आपके पास में भी है ना 5911 ट्रैक्टर और आप मॉडिफिकेशन करवाने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं इनके, मतलब भी जैसे इसका इंजन के बारे में थोड़ा बताइए भाई साहब भी, क्या कुछ पहले जैसे था कंपनी फिटेड, वही सेम इंजन उसको तैयार किया? हाँ उसको ही। अच्छा, इसमें बोर डाल दिया जैसे पहले 100 का आता था जी। हाँ हाँ। और ये एक अब 105 का बोर पड़ गया। अच्छा, अभी 105 का बोर कर दिया इसका। हाँ जी 85 HP हो गया ये, 85 HP बोल देते हैं। अच्छा 85 HP में आ गया। हाँ जी। बाकी यार ये कलर वगैरह बहुत शानदार है, कौन सा कलर की है इसपे? ये 2K कलर है। अच्छा 2K पेंट बोलते हैं इसे। हाँ जी, यही आता है आजकल सभी ट्रैक्टरों में ना? यस यही आता है। ठीक है, बाकी देखिए भाई ये क्रोम फिनिश के साथ में 4x4 का लोगो भी लगा रखा है, उधर वाली साइड से ओपन होगा भाई साहब, एक बार ओपन करना यार इसको। बाकी आगे की लाइटें देखिए यार कितनी शानदार दे रखी है। ठीक है, और ये भाई इसके अंदर ड्राई टाइप का आपको एयर फिल्टर है वो देखने को मिल जाएगा, जिटर इंजन के साथ में भाई साहब, वो क्या लगा रखा है यार, स्पीकर बाल्टी बोलते हैं ना। हाँ, उसको बोलने के लिए कभी ऐसा है ना। हाँ हाँ, जब लोग आके पूछते हैं। हाँ हाँ। जैसे 2 दिन बहुत कट ज्यादा रहा। अच्छा, तो एक बार में हम बोल के बता सकते हैं, बंद करता। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ, इसके इस ट्रैक्टर के लिए जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, जानकारी दे सकते हैं, बंद कर दो भाई साहब इसको, बहुत शानदार किया है यार ये मॉडिफिकेशन है ना। यहाँ से देखिए ऐसी चीजें है ना, मतलब क्या है कि पहले ट्रायल करना पड़ता है, ये इनका खुद का ट्रैक्टर है तो ये ट्रायल करके देख रहे हैं। और म्यूजिक सिस्टम बहुत तगड़ा लगा रखा है भाई साहब, सही सही है जी। ठीक है, और बाकी देखिए भाई ये इनका लोगो है रूप एग्रो, इस प्रकार से डाउन सीलिंग कर रखी है इसके अंदर। डाउन सीलिंग है ये, डाउन सीलिंग में है, तो खर्चा तो काफी आ गया हो गया ना, बहुत ज्यादा ही।
ट्रैक्टर का? हाँ जी, ट्रैक्टर को छोड़कर अच्छा 13 लाख रुपए खर्चा है। ट्रैक्टर को छोड़ के 13 लाख रुपए खर्चा है भाई, देख लो शौक का कोई मोल नहीं होता, देखिए यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, अगर आप भी करवाना चाहते हैं और ऐसे शौकीन बंदे हैं तो आ सकते हैं भाई साहब के, लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर दिखा देंगे हम आपको। ठीक है, तो दबके शेयर कर देना वीडियो को। बाकी तहे दिल से धन्यवाद भाई साहब आपका जानकारी देने के लिए। ओके, ठीक है।